एक गीत आया और गीत बहुत पुराना है, पुराने गीत ही आजकल रिमिक्स में दोबारा रिटर्न कर दिए जाते हैं। बंबई वालों ने गीत दिया, अरे पूछा अगर तू कहे आया इधर। ढोलक में तबले के पर बहुमूल्य पुरस्कार है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आइए गीत को सुने भैया, आप लोग निवेदन है क्योंकि बहुत सुंदर सा गीत उधर से सुना है, मैं प्रयास करती हूँ। देखिए कहाँ से गौतम ऋषि चंद्रमा से कहने लगे कि ए चंद्रमा, अरे तूने ऐसा कार्य किया है, ऐसा कार्य किया है कि मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। अब कह नहीं सकता तो देखिए मेरी पंक्ति कहती है क्या, परियोगी बना उपयोगी बना। आदरणीय कल्पना जी, प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर एकत्रित हैं, सुने आप। उपयोगी बना, प्रतियोगी बना, बन के मुर्गा तू देखो जुल्म योगी बना हो तो। अरे क्या अंधेरे में, क्या अंधेरे में गुल को खिलाया, अरे चंद्रमा अपने उस कार्य में, अरे धरती बा आसमां को मिलाया, इसलिए चंद्रमा, ऐ चंद्रमा, अरे चंद्रमा तू बड़ा हो, क्या बात है, चंद्रमा तू बड़ा लगे। जिस समय उनकी पत्नी के साथ छल किया और जब किया तो देखिए गुरु बृहस्पति अपने शिष्य से कहने लगे, वरण किया हृदय आवरण किया,
पूछते हैं तुमको, लेकिन तूने तो पूछने योग्य काम भी नहीं किया। तूने ऐसा काम किया कि पूरा वातावरण ही गंदा कर दिया। अरे काहे का देवता, काहे की लोग पूजा करें? और जब ऐसा कहा तो न धर्म चरण किया, न धर्म चरण किया, न सदा चरण किया। अरे गुरु पत्नी से दुरा चरण किया। और जब ऐसा किया और किसी और से नहीं, तूने अपनी गुरु माता के साथ छल किया। और जब किया तो कहे के अमृत जहर को मिलाया। अरे कहे के अमृत जहर को मिलाया, है सराफत की नींव को हिलाया। तो चंद्रमा कहने लगे क्या क्या सामो शहर है तूने ढाया कहर। क्या बात है, दिल है दुखाया तो इसलिए। अरे चंद्रमा तू तो बड़ा वो है, चंद्रमा तू तो बड़ा वो है, चंद्रमा तू बड़ा वो है, कभी ना खुद ये एंड होता है जिसके जीवन में। एक हस्बैंड होता है या गॉड हस्बैंड होता है। मैंने प्रयास किया है आपके उस वाइफ का जवाब। वैसे तो बहुत सी जगह से लाया जा सकता है, लेकिन जब बात वाइफ की आ गई हो तो हस्बैंड क्यों पीछे रह जाए। और क्या, थोड़ी ढोलक के बेस के चाटे की आवाज बढ़ा दे। देखो लड़के को देख के आवाज बढ़ा दीजिए। और क्या, हाँ ये नाबालिग लड़का है। और क्या, चाटी बढ़ाइए, चाटी चाटी वाला भाई और बढ़ा दीजिए। ये क्या बात है, और देखो और देखो और आने दोस्तों। बहन जी, जवाब के लिए हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जो आपने जवाब दिया है बढ़िया है, लेकिन थोड़ी शिकायत हमें पप्पू भैया से है। हाँ, क्या बिल्कुल सही जगह शिकायत जा रही है। शिकायत सही जगह जा रही है। देखिए, थोड़ा समय कम होता है तो जरूरी नहीं है कि जवाब उतना सटीक आ जाए। हमारी तरफ से भी ऐसा नहीं है ना? लेकिन कम से कम रदीफ काफिया भी तो मिलना चाहिए। दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। मैंने कहा था बेटे पुत्री के लिए तो मानो कृपा प्रसाद होता है जब पिता का शीश पे हाथ होता है।
मानो ईश्वर साथ होता है जब पति का हाथ में हाथ होता है। आपकी लाइन कह रही है पत्नी के लिए तो पति आनवान होता है, आनवान शान होता है जब पत्नी का पति का साथ होता है। समझो पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो कर लो बात। कटपीस का जो भी जवाब दिया वो भी ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। ये हमरी कौन लागे, ये इनकी कौन लागे, हम कहने हमरी कौन लागे, दीदी कहने इनकी कौन लागे। अब ये लोग सोचते रहे कि कौन किसका कौन लागे। सोचो गीत आया है बहन जी का, क्या और बहुत बढ़िया गीत आपने दिया है, बहुत बढ़िया। अरे पूछो अगर तो काहे आया इधर, ही हरण करके ले गया। तो चंद्रमा तू बड़ा वो है, इधर मुर्गा बन के भाग लगा दी, तो चंद्रमा तू बड़ा वो है। बहन जी अब जवाब सुनिएगा, सुनिए। छल केवल चंद्रमा ने ही नहीं किया, सबसे ज्यादा छल कौन करता था जरा सुनिएगा। सुनिए बहन जी, सुनिएगा, सुनिए। करने पहुंच गए, चाचा जी जब वृंदा के साथ छल किया और वृंदा जब जान गई कि विष्णु ने हमारे साथ छल किया है, तो वृंदा कहने क्या लगी सुनेगा। सुनिए तो कैसी चाल चला, तो कैसा बहन जी कि कैसी चाल चला, कैसा तू मन चला। देखिए जो हमेशा बजाता हो साथ में उसकी बात अलग होती है, लेकिन जो पहली बार बजाए वो इतना बढ़िया बजाए वो तारीफ के काबिल है। और क्या, क्योंकि ये पहली बार जवाबी कीर्तन में बजा रहे हैं और पहली बार हमारे साथ बजा रहे हैं। धन्यवाद है भैया। गोपाल जी सुनिएगा, सुनिए। तो कैसी चाल चला, कैसा तू मन चला, जो मेरे ऊपर ये तेरा है मन चला। नहीं सोच भला
वही रूप को तूने बनाया के रूप रंग जो मुझको है भाया, वही रूप है तूने बनाया छलिया तू बड़ा वो है छलिया तू बड़ा वो है और कहां कहां भगवान ने छल किया एक जगह और सुनेगा। सुनिए जिस समय समुद्र मंथन हुआ अमृत निकला जब अमृत निकला तो असुर लेकर के भागने लगे असुर और देव लड़ने लगे कि पहले हम पिएंगे वो कहे हम पिएंगे और जब अमृत का कलश लेकर के भागे तो भगवान ने मोहनी रूप धारण कर लिया असुरों के आसपास डोलने लगे असुरों ने देखा सुंदरी अरे सुंदरी आओ तुम भी हमारे साथ अमृत पान कर लो भगवान ने कहा ये तो तुम्हारा हिस्सा है हम क्यों पान कर ले तो उन असुरों ने कहा अरे लगता है ऊंचे घराने से हैं बड़े ऊंचे विचार हैं और क्या आओ सुंदरी थोड़ा तुम भी पान कर लो घटेगा थोड़े ना आओ बोले ऐसे नहीं तो बोले एक काम करो ये अमृत कलश तुम ही ले लो हम सबको पान कराओ और स्वयं पान करो पीछे से देवता भागे चले आ रहे बोले ये कौन है बोले कोई नहीं ये हमारे सौतेले भाई है तुम जल्दी करो हाँ जी जब वो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और दो कतार लगा दी एक तरफ असुर और एक तरफ देव बैठे हैं असुरों की तरफ मुस्कुरा रहे हैं और देवों को पिलाते जा रहे हैं असुरों की ओर मुस्कुरा रहे देवों को पिलाते जा रहे हैं किसी ने कहा उनको पहले काहे पिला रहे हो भगवान ने कहा इसलिए पिला रहे हैं देखो ऊपर है पतला पतला सब काहे को लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पतला पतला इनको पिला दो नीचे बचेगा गाढ़ा गाढ़ा वो तुम लोग पी लेना सुनेगा सुनिए लेकिन लेकिन एक दैत्य समझ गया रे अरे ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं बेंजी सुनेगा तो क्या नाथ किया बटा हाथ लिया तो सदा देवों का तुमने है साथ दिया सदा देवों का तुमने है साथ दिया सदा देवों का तुमने है साथ दिया असुर कहने लगे क्या तो पक्षपात किया जब पता चल गया कि ये तो भगवान है कहने लगे सुनिए प्रभु सुनिए वही रूप ने मन को लुभाया छली